हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एंजल ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है टेंस के अंतर्गत मॉडल वर्ब और उसके अंतर्गत है यूज ऑफ नीड ऑब्लिक डेयर। दोनों का यूज हम लोग एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि दोनों में थोड़ी सी समानता है, बस केवल अर्थ का अंतर है, नहीं तो दोनों में समानता है। है क्या? पहले तो आप ये समझिएगा कि नीड का अर्थ होता है आवश्यकता और डेयर का अर्थ होता है साहस या चुनौती। ठीक है, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है? यही दो ऐसी क्रियाएं हैं मॉडल वर्ब के अंतर्गत जिनका प्रयोग मेन वर्ब एवं ऑक्सिलरी वर्ब दोनों रूपों में किया जाता है। यानी ये मेन वर्ब का भी काम कर सकती हैं और ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम कर सकती हैं। यूज के अंतर्गत हमारा पहला यूज है, पहला यूज यह है कि नीड एवं डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया जाता है और जब ये मेन वर्ब के रूप में प्रयोग की जाती हैं तो ये सब्जेक्ट के, पर्सन के, नंबर के आधार पर सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों में प्रयोग की जाती हैं। समझ रहे बात को? जब ये मेन वर्ब के रूप में प्रयोग की जाती हैं तो ये सब्जेक्ट के, पर्सन के, नंबर के आधार पर सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों में प्रयोग की जाती हैं। यानी ऐसी स्थिति में आप चाहें तो नीड भी लिख सकते हैं, नीड्स भी बना सकते हैं, डेयर है और डेयर्स भी है। कैसे? जैसे कहा जाए कि उसे आपकी आवश्यकता है। अब उसे आपकी आवश्यकता है तो ही नीड्स यू, तो ही सिंगुलर नंबर है तो इसलिए क्या लगा? नीड्स लग गया। अब मैं जैसे बोलू आपको मेरी आवश्यकता है तो आपको मेरी आवश्यकता है तो मैं क्या बोलूंगा? यू नीड मी। अब यू प्लूरल नंबर है और जब प्लूरल है तो यहां पे क्या लगा? नीड लग गया। अब जैसे कहा जाए सभी बच्चों को एक किताब की आवश्यकता है, सभी बच्चों को मतलब छात्रों को, ऑल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो नीड अ बुक। अगर अभी यहीं पर सिंगुलर होता, ठीक है, कि प्रत्येक छात्र को किताब की आवश्यकता है, मैं क्या बोलता? मैं ये बोलता कि ईच स्टूडेंट सिंगुलर नंबर है तो तुरंत हो जाता नीड्स अ बुक। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से डेयर का भी है। जैसे कहा जाए वह आपको चुनौती देता है, ही सॉरी वह आपको चुनौती देता है, ही डेयर्स यू। अब जैसे बोला जाए आप उसे चुनौती देते हैं तो यू, अब यू प्लूरल है तो क्या लिख देंगे? यू डेयर हिम, आप उसे चुनौती देते हैं। ठीक है, अब रही बात अगर इसका निगेटिव बनाने का, इसका निगेटिव भी बन सकता है। अब यहीं पे महत्वपूर्ण बात है, जब इसका, ठीक, अब आपको जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने राइट हैंड में रिमार्क बनाया है, जब इसका निगेटिव बनाएंगे तो फिर वही बात हो जाती है। निगेटिव इसका दो तरीके से बनता है, बस यही आपका एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है जो बात बताने चल रहा हूं, ध्यान रखिएगा। वैसे आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी, हो सकता है आपने कुछ वीडियोज भी देखे होंगे, सबका अपना अपना पढ़ाने का तरीका है। बात समझिएगा, मैं आपको बेस पढ़ा रहा हूं, मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बेस क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि अभी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं और बेस पढ़ा रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि आपका एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो। मैं आपको एक दूसरे में कंपैरिजन भी करवा सकता हूं, बता भी सकता हूं, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, फिर वो पढ़ने का तरीका नहीं होगा, वो पढ़ने का तरीका होगा सेलेक्टिव स्टडी। जब हमको सेलेक्टिव स्टडी करना होगा तो मैं सीधे वीडियो नहीं बनाऊंगा, आओ सीखे कैन और मे में अंतर। तो हमको पहले ये तो पता हो ना कि कैन क्या है और मे क्या है, तब तो हम कैन और मे में डिफरेंस करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में अभी मैं सेलेक्टिव स्टडी नहीं हूं, जैसे मैं प्रैक्टिस के वीडियो ले आऊंगा आपके सामने, वकैब्स पढ़ाना शुरू करूंगा, वर्ड पावर पढ़ाना शुरू करूंगा, फिर आपको मैं सेलेक्टिव स्टडी के अंतर्गत ग्रामर और फिर इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन तीनों चीजों को मैं मेंटेन करूंगा। अभी आप अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करिए। तो कॉन्सेप्ट पहला ये है कि इसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया जाता है जो सिंगुलर प्लूरल दोनों में होता है। ठीक है, अब इसका जब निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव दो तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि आप सीधे यहां पर नीड नॉट और डेयर नॉट लगा दीजिए। अब यहीं पर महत्वपूर्ण बात है, जब नीड नॉट डेयर नॉट आता है तो इसके बाद जो हमेशा इंफिनिटिव आता है, यानी कहने का मतलब जो V1 है ये हमेशा बिना टू के आती है, हमेशा विदाउट
टू आता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसी को डू डज डिड से भी बना सकते हैं। और जब डू डज डिड से बन जाएगा तो जो इन्फिनिटिव बिना टू के था वो टू ले लेगा। कैसे? जैसे मैं कहूं वह आपसे बात करने का साहस नहीं करता है, ही डेयर नॉट टॉक टू यू, वह आपसे बात करने का साहस नहीं करता है। जैसे मैं कहूं कि उसे आपसे बात करने की आवश्यकता नहीं है, ही नीड नॉट टॉक टू यू। अच्छा, जब निगेटिव आप बनाएंगे तो फिर यहां डेयर्स नहीं हो सकता, यहां भी नीड्स नहीं हो सकता है, क्योंकि नॉट लगने के बाद हमेशा क्रिया अपने मूल रूप यानी अपने V1 में ही आती है। अब इसी के मैं निगेटिव चाहूं तो क्या बना दूं, इसी के मैं चाहूं तो लिख सकता हूं ही डज नॉट डेयर। अब टॉक किस में चेंज हो जाएगा, टू टॉक टू यू। अगर इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट नीड। अब जो टू टॉक, जो टॉक बिना टू के था वो टू ले लेगा। यही आपका महत्वपूर्ण बात है, यानी अगर आपने डू डज नॉट के साथ लगाया तो इन्फिनिटिव टू लेगा, अब अगर आपने नीड नॉट लगाया तो इन्फिनिटिव टू नहीं लेगा, अब अगर आपने डज नॉट यहां लगाया तो इन्फिनिटिव टू लिया, और जब आपने डेयर नॉट लगाया तो इन्फिनिटिव टू नहीं लिया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या महत्वपूर्ण है, नीड नॉट और डेयर नॉट के बाद इन्फिनिटिव हमेशा बिना टू के आता है, लेकिन अगर इसको आपने डू डज से बनाया तो ये जो है हमेशा टू लेगा। अब ये सिंगुलर है इसलिए डज लगा, अगर अभी सपोज करिए यहीं पर दे होता तो यही डज के बजाय क्या हो जाता, डू हो जाता। यहां पर मान लीजिए अगर अभी दे होता तो यहां पर भी डज के बजाय क्या हो जाता, डू हो जाता। ठीक है, ये हुआ आपका यूज फर्स्ट। देन आपके पास एक बात यह आती है कि आखिर इसका प्रयोग हम ऑक्जिलरी वर्ब के रूप में कैसे करते हैं। तो होता क्या है, इसका प्रयोग जब हम ऑक्जिलरी वर्ब के रूप में करते हैं तो थोड़ा सा कंट्रास्ट है, थोड़ा सा विरोधाभास है। आप समझिएगा कि इश्यूज क्या है इसके। इसका प्रयोग प्रायः जब मॉडल वर्ब के रूप में किया जाता है तो यह कभी पॉजिटिव में नहीं आता, यह हमेशा इंट्रोगेटिव में ही आता है। और जब इंट्रोगेटिव में आता है तो ऐसी कंडीशन में यह जो क्रिया है मॉडल वर्ब का कार्य करती है, यानी यह क्रिया अपने आप में क्या है, एम्बिगस है। एम्बिगस का मतलब होता है द्वयर्थी, समथिंग दैट हैज डबल मीनिंग। ठीक है, ये दोनों क्रियाएं क्या हैं, ये दोनों क्रियाएं एम्बिगस हैं, यानी समथिंग दैट हैज डबल मीनिंग, जिसके पास दो अर्थ हो, ये द्वयर्थी है। जब आप इसका प्रयोग, ये दूसरा है, जब इसका प्रयोग आप ऑक्जिलरी वर्ब के रूप में करते हैं यानी मॉडल वर्ब के रूप में करते हैं तो यह हमेशा इंट्रोगेटिव में आता है। और इंट्रोगेटिव में कैसे आता है, आप पहले डू डज डू डिड लगा के प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद नीड ऑब्लिक डेयर प्लस इन्फिनिटिव जो आएगा, ये ध्यान रखिएगा, इन्फिनिटिव मतलब ये होगा टू प्लस V1, और प्लस आपका जो बचेगा वो क्या, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें जब आप आते हैं तो इसी को हम ऑक्जिलरी वर्ब मान लेते हैं। आप चाहें तो मेन भी मान लीजिए, क्योंकि इसकी भूमिका क्या है, एम्बिगस है, यानी ये क्रिया अपने आप में क्या है, द्वयर्थी है। अब कैसे, जैसे कहा जाए क्या वह आपसे बात करने का साहस करता है, तो डज ही डेयर क्या लिखेंगे, टू टू टॉक टू टॉक टू यू। अब अगर मैं बोलूं क्या वह आपसे बात करने, क्या उसे आपसे बात करने की आवश्यकता है, तो क्या लिख दूंगा, डज ही नीड टू टॉक टू यू। दोनों में समानता है नीड और डेयर, बस अंतर यह है कि यहां साहस का अर्थ है यहां आवश्यकता की। अब अगर मान लीजिए यहीं पर मैं बोल दूं कि क्या आपको आवश्यकता है, डू यू, तो डू यू लिखेंगे तो फिर यही है कि भाई यू प्लूरल है तो डज के बजाय क्या लिख देंगे, डेयर। तो डू यू डेयर टू टॉक टू हिम, क्या आपको उससे बात करने की आवश्यकता है। अब अगर मैं बोल दूं क्या आपको उससे बात करने की आवश्यकता थी, ठीक है ना, डेयर बोला हूं तो यानी सेंस आ जाएगा क्या आपको उससे बात करने का साहस है। अब यहां पर है कि क्या, डिड यू डेयर, क्या आप साहस करते थे टू टॉक, बात करने का, टू हिम,
उससे, यानी अगर सीधी सी बात आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर डू डस डिड के साथ आया तो इन्फिनेटिव टू लेगा और नीड नॉट डेयर नॉट आया तो इन्फिनेटिव टू नहीं लेगा, ये है आपका यूज दूसरा, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास है नेक्स्ट अगला यूज, तीसरा यूज। अब देखिए यहां जो तीसरा यूज मैं आपको बताने चल रहा हूं, इस तीसरे यूज में नीड और डेयर के अर्थ में भी कोई अंतर नहीं है। अभी तक अर्थ में अंतर था, अर्थ में अंतर यह था कि नीड लगा रहे थे तो अर्थ आवश्यकता का निकल रहा था, और डेयर अगर आप लगा रहे थे तो अर्थ किसका निकल रहा था, आवश्यकता का। अगर अब जो तीसरा यूज है, इस तीसरे यूज में आप नीड लगाइए या डेयर, दोनों का अर्थ भी सेम होगा। अब यह है क्या बात समझिए, जब पास्ट टेंस में किसी कार्य के द्वारा, जब पास्ट टेंस में किसी कार्य के द्वारा अननेसेसिटी, यानी किसका सेंस है, अनावश्यकता का भाव प्रकट हो, तो ऐसी कंडीशन में नीड ऑब्लिक डेयर प्लस नॉट प्लस हैव प्लस B3 का प्रयोग किया जाता है। अब इसी के पहले आप क्या करिए, इसी के पहले आप सब्जेक्ट लगा दीजिए और लास्ट में क्या लगा दीजिए, ऑब्जेक्ट। यानी अगर आप नीड नॉट है प्लस B3 या डेयर नॉट नीड नॉट है प्लस B3 या डेयर नॉट है प्लस B3 अगर आप लगा देते हैं तो ये पास्ट टेंस में किसका भाव व्यक्त होता है, अननेसेसिटी। और अननेसेसिटी किस टेंस में है, पास्ट टेंस। क्या मतलब है अननेसेसिटी, अननेसेसिटी का मतलब है जैसे कोई काम नहीं होना था बट काम हो गया। अभी तक हम लोगों ने जितनी मॉडल वर्क पढ़े हैं मस्ट को छोड़कर, सब में क्या सेंस आता था कि काम होना चाहिए था लेकिन काम नहीं हुआ, यानी सब निगेटिव थे। अब पहली बार ये क्रिया है कि जहां काम होना नहीं था बट काम हो गया, यानी यहां जो सेंस है अननेसेसिटी का है, ठीक। कैसे, अब इसको तीन तरह से हिंदी में कहा जाता है। जैसे कहा जाए आपको आने की आवश्यकता नहीं थी, आपको आने की आवश्यकता नहीं थी। अब मैं यहीं पे चाहूं तो इसी सेम को हिंदी में ऐसे बोल सकता हूं, आपका आना गलत था, या मैं बोल सकता हूं आपका आना अनुचित था। आप चाहे जो बोल दीजिए, ये तीनों एक ही हैं। अब आप इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आपको आने की आवश्यकता नहीं थी, यानी यू नीड नॉट हैव अ थर्ड फॉर्म में क्या कम। और यहीं पर अब देखिए, अब आप चाहे नीड लगाइए और चाहे आप डेयर लगा दीजिए, क्योंकि दोनों सेम है, सेंस आता है यू नीड डेयर नॉट हैव कम, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूं कि बारिश हो गई है, आपको फूलों की सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं थी, अब आपको फूलों की सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं थी तो क्या बोलेंगे, यू नीड ऑब्लिक डेयर नॉट हैव वाटर्ड फ्लावर्स, यू नीड नॉट हैव वाटर्ड फ्लावर्स, यानी आपको फूलों की सींचने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो जब पास्ट में अननेसेसिटी का भाव आएगा तो प्रयोग किसका करेंगे, नीड नॉट हैव प्लस B3 या डेयर नॉट है प्लस B3। इस तरह से आपके पास नीड और डेयर के कितने यूज, तीन। पहला यूज में हमने पढ़ाया जब मेन वर्ब के रूप में होगा तो सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर प्लूरल में आएगा, जिसमें यस यस ले सकता है, उसका निगेटिव दो तरह से बनता है, ठीक है। और नीड नॉट डेयर नॉट आएगा तो इन्फिनिटिव बिना टू के, और वहीं अगर आप डिड लगा देंगे तो वो हमेशा टू ले लेगा। और दूसरा यूज था कि जब आपको टू बी के साथ लगाना होगा तो मेन वर्ब ING में आएगा, ठीक है। और तीसरा आपका ये है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है। पहला तो नीड नॉट डेयर नॉट के साथ कब टू आता है कब टू नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है कि जब टू बी वर्ब आता है, टू बी वर्ब आता है नीड के साथ तो क्रिया ING में जाती है, नीड और डेयर के साथ जब टू बी वर्ब आता है तो क्रिया ING में जाता है, और जब उसके साथ टू बी वर्ब नहीं आता यानी यूज टू खुद वर्ब के रूप में आती है तो क्रिया हमेशा वी ऑन आती है, ठीक है। Thank you. Okay.